बिहार के मुजफ्फरपुर बालिका गृह सेक्स रैकेट कांड में सीबीआई ने शुक्रवार को राज्य के 12 जगहों पर छापेमारी की। पटना में सीबीआई ने जहां एक तरफ पूर्व समाज कल्याण विभाग की मंत्री मंजू वर्मा के ठिकानों पर छापेमारी की, वहीं दूसरी तरफ इस कांड के मास्टरमाइंड ब्रजेश ठाकुर के हिंदी अखबार प्रातः कमल के पटना दफ्तर में भी सघन तलाशी ली। गौरतलब है कि पटना में स्थित प्रातः कमल के दफ्तर में सीबीआई को छापेमारी के दौरान ऐसी चीजें प्राप्त हुई जिससे उनके होश उड़ गए। एक और जहां इस दफ्तर से सीबीआई ने एक डायरी बरामद की जिसमें कोडवर्ड में कई नाम लिखे हुए थे, तो दूसरी तरफ भरपूर मात्रा में अय्याशी का सामान भी बरामद किया है। जहां तक डायरी की बात है तो इस डायरी में कोडवर्ड में कई नाम और मोबाइल नंबर लिखे हुए थे। जब इन नंबरों पर फोन किया गया तो अजीबोगरीब नाम सामने आए, जैसे रीना भाभी जी, नीता पार्लर, रमेश पोद्दार और सीएल सिंह। डायरी में कोडवर्ड में लिखे नाम और नंबर काफी असाधारण से हैं और इसी वजह से सीबीआई को शक है कि सभी नाम और नंबर मुजफ्फरपुर बालिका गृह सेक्स रैकेट से जुड़े हो सकते हैं। यह दफ्तर कम और एक होटल ज्यादा लगता है। सीबीआई छापेमारी के दौरान इस दफ्तर में दो पलंग मिले जिनमें से एक बड़ा था और एक छोटा। सीबीआई की टीम ने यहां से अय्याशी के कई सामान जैसे कि कॉन्डोम, नेपाली सिगरेट, नमकीन और सोडा की बोतलें, यौन वर्धक दवाइयां और कई प्रकार की क्रीम बरामद की हैं। अय्याशी के सामान को देखकर यह समझना मुश्किल नहीं है कि अखबार के नाम पर चल रहे इस ऑफिस में क्या गोरख धंधा चलता होगा। न्यूज टाइम्स के लिए अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।